हेलो दोस्तों, मैं गौरव भैया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को पुरानी सभी टॉपिक्स समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होंगी। आज आपके सामने फिर मैं एक बार हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है जीवाणु विषाणु और परजीवी से होने वाले रोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, बहुत से पेपर में पूछा गया है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हम बीमारी को कितना भी याद कर लें, एक दूसरे में मिक्सचर हो जाती है, तो उससे हम कैसे बचे, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैं लेके आया हूं आपके बीच। आपको उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी लगेगी। जरा आते हैं अपने, पहले याद करते हैं विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस। विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस। विषाणु को वायरस। कैसा लग रहा है? जैसे वायरस कह रहे हो, तो भाई, भाई कौन होता है? हमारे चाचा का लड़का। भाई कौन होता है? हमारे चाचा का लड़का। तो चाचा से बन गया चेचक। चाचा से क्या बन गया? चेचक। भाई कौन होता है? भाई होता है हमारा चाचा का लड़का या छोटी माता का लड़का। भाई कौन होता है? वायरस, भाई का रस। भाई कौन होता है? चाचा का लड़का या छोटी माता का लड़का। कैसा भाई है हमारा? खास भाई है। कैसा भाई है? खास भाई है। कैसा भाई है? खास भाई है। दोबारा सुनिए, वायरस मतलब भाई का रस। भाई का रस कैसा? कौन होता भाई? चाचा का लड़का। तो चाचा से क्या बन गया? चेचक। छोटी माता का लड़का यानी कि छोटी माता। खास भाई है। खास से कौन सी बीमारी बन गई? खास भाई है खसरा। खास से कौन सी बीमारी बन गई? खसरा। उसे हमारा जो खास भाई है उसे हमारी सारी पोल पट्टी पता है। क्या पता? हमारी सारी पोल पट्टी यानी कि पोलिया। पोल पट्टी से क्या बना? पोलियो। पोल पट्टी से क्या बना? पोलियो। क्या पोल पट्टी पता है उसे? भैया आपको एड्स है। भैया एड्स है आपको। क्या है? एड्स। इतना सुनकर भैया का चेहरा कैसा पड़ गया? पीला। कैसा पड़ गया? पीला। तो भैया को कौन सा बीमारी हो गई? पीलिया। इतना सुनकर भैया को कौन सी बीमारी हो गई? पीलिया। अच्छा जी, अब हमारे खास भाई ने हमारे डंक मारा ना, डंक मारा, तो डेंगू। क्या डंक मारा? जब उसने डंक मारा तो हमने भी क्या करा? उसे ट्रैक कर लिया। जब उसने हमें डंक मारा, डंक से बना डेंगू, डंक से क्या बना? डेंगू। तो हमने क्या करा? उसे ट्रैक कर लिया। हमने क्या करा? उसे ट्रैक कर लिया। ट्रैक से बना ट्रैकोमा। ट्रैकोमा कहां से होती है? आंखों से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ट्रैकोमा कहां होती है बीमारी? आंखों में। तो हमने उसे ट्रैक कर लिया, ट्रैकोमा। ट्रैक करा और ट्रैक करने के बाद क्या करा? उसके पीछे कुत्ता लगा दिया। क्या करा? कुत्ता लगा दिया। कुत्ता काटता तो कौन सा रोग होता? रैबीज। कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता? रैबीज, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, कौन सा रोग होता कुत्ते काटने से? रैबीज। अब रैबीज में क्या होता? आदमी पानी से डरता, तो अगर फिर भी पानी गिर जाए तो उसे क्या हो जाता है? जुखाम। क्या हो जाता है? जुखाम। क्या हो जाता है? जुखाम। और जुखाम के इलाज के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। उम्मीद करता हूं विषाणु की ट्रिक को आप दोबारा से अगर सुनेंगे, दो बार सुनते ही आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। देखो कोई भी वीडियो आपको दो बार जरूर देखनी पड़ेगी। एक बार ट्रिक थोड़ा दिमाग में जाएगी, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार आप खुद बोलो ये भैया ने बताया, या एक बार पहले बोल के देखो फिर उसे सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एक ही लाइन में सारी चीजें खत्म हो जाएगी। दूसरी, बैक्टीरिया, और भी गजब बैक्टीरिया। हैजा चार्ज, हैजा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब बैटरी। बैक्टीरिया बैटरी, और बैटरी से हम क्या करें? हैजा चार्ज, हैजा। अबे चार्ज तो जब ही होगी जब पिलक लगाओगे। चार्ज कब होगी? जब पिलक लगाओगे। पिलक से क्या बन गया? प्लेग। पिलक से क्या बन गया? प्लेग। पिलक भी लगा दिया, अब भी चार्ज नहीं हो रही। एक ने आके बताया, अबे इसमें पानी तो भर, पानी तो है ही नहीं, बैटरी सूखी पड़ी है। तो हमने क्या करा? डीप तक पानी भर लिया। डीप थीरिया। क्या करा? डीप तक पानी भर लिया। अब पानी भरने के बाद हमने उसे पूरी रात चार्जिंग पे लगाया, तो चार्जिंग पे लगाया तो क्या होगा? तपेगी बैटरी। पानी गर्म होगा, उबलेगी, तो क्या होगी? तप गई। तपेदिक। क्या हो गया? बैटरी तप गई। और पूरी रात जब तपी तो टाइट होके फट गई। टाइट होके फट गई। टाइफाइड। टाइट होके फट गई। टाइफाइड। ठीक है, अब जब फटी तो बैटरी फटने से दो चीजें निकली, एक तेजाब उसका और एक धुआं। धुआं जो निकला उससे हमें क्या हो गई? धुआं जब सांस लेने में दिक्कत हुई, काली खांसी। धुएं से क्या हो गई? काली खांसी। धुएं से क्या हुई? काली खांसी। और दूसरी चीज, जो तेजाब गिरा हमारे ऊपर, वो बॉडी में क्या कर दिया उसने? कोड़। बॉडी में क्या कर दिया? कोड़। क्या कर दिया? कोड़। अब एक महानुभाव आए, बोले यार इतना लफड़ा किस लिए कर रहे थे आप? ये क्या कर रहे थे आप? क्या है ये? मैं बोला यार रामायण आ रही टीवी पे, उसके चक्कर में आ, रामायण आ रही। क्या आ रही? रामायण। किस पर? टीवी पे। किस पर आ रही थी? टीवी पे। अच्छा, मन की छह जने देखना आ गए उसे, छह जने देखना आ गए। ओ चल कोई बात ना, मैं सिफारिश करता हूं, टिटनेस का टीका जरूर लगवा लेना, क्योंकि तुम्हें निमोनिया हो रहा, और आजकल
आजकल क्या चल रहा, कोरोना चल रहा, तो निमोनिया आपको हो रहा है, पर चेक जरूर करवा लेना, एक बार चेक जरूर करवा लेना। दोस्तों ये भी समझ में आई होगी, दोबारा से रिवाइज करता हूं, हैजा चार्ज, हैजा पिलग तो है ही ना, पिलग लगाया नहीं तो चार्ज कहां से हो, पिलग लगाने के बाद पता पड़ी पानी नहीं है, डीप तक पानी डाला, उसके बाद तपने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद तपने के लिए छोड़ दिया, तपने के बाद बैटरी टाइट होकर फट गई, फटने से दो चीजें निकली, एक धुआं एक तेजाब, धुएं से हमें खांसी हो गई काली खांसी, और तेजाब हमारी बॉडी पे गिरा उससे कोड हो गया। इतना बैटरी को हम क्यों कर रहे थे, रामायण आ रही थी टीवी पे, रामायण आ रही थी, छह जने देखने आए थे हमारे घर, जब हमारे ऊपर तेजाब वेजा गिर गया तो एक दोस्त ने सिफारिश करी, किस चीज की सिफारिश करी, टिटनेस का टीका लगवा लिया, आजकल निमोनिया बहुत चल रहा है, और निमोनिया चेकअप करवा ले जरूर, क्योंकि निमोनिया से क्या हो रहा है आप समझ सकते हो, कोरोना। ठीक है, तीसरी पे आते हैं, परजीवी प्रोटोजोआ। परजीवी क्या है, प्रोटोजोआ यानी कि पराय जीवों से होने वाले रोग, पराय जीवों से होने वाले रोग, जैसे मच्छर के काटने से हो जाए, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो आप जरा देखिए, सारी की सारी रिया कालू के साथ भाग गई, सारी की सारी रिया कालू के साथ भाग गई, ध्यान से सुनिए, तो डिप्थीरिया, लेकिन एक को छोड़कर, डिप्थीरिया को छोड़कर, तो आप कैसे बोलोगे टिटक को, डिप्थीरिया को छोड़कर सारी की सारी रिया कालू के साथ भाग गई। तो डिप्थीरिया मैंने बताया बैटरी को डीप तक पानी भरेंगे, उसके अलावा जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, ठीक है, और पाइलिया, ऐसी जिसके भी पीछे रिया आ रहा है, वो सारी की सारी रिया कहां चली गई, कालू के साथ, कालू मतलब काला जुआ, कालू मतलब काला जुआ, कालू मतलब काला जुआ, कालू मतलब काला जुआ, कालू मतलब काला जुआ। आगे चलते हैं, अब जब भाग गए तो खाना भी लेके भागे होंगे, अब जब भागे पीछे घर वालों ने शिकायत कर दी, पुलिस पीछे पीछे, तुम आगे आगे, तो क्या नहीं हो पाता, सोने को नहीं मिल पाता, नींद पूरी नहीं हो पाती, पुलिस पीछे पीछे, आप आगे आगे भाग रहे हो तो क्या पूरा नहीं हो पाता, नींद पूरी नहीं हो जाती, यानी कि सोने की बीमारी लग जाती है आपको। दूसरी बात, खाना जो लेके भागे थे उसमें चार दिन छह दिन पुराना हो गया, खाने का मौका नहीं आ रहा, तो आपको क्या हो जाएगा, पेचिस, क्या हो जाएगा, पेचिस, क्या हो जाएगा, जब उस खाने को खाओगे, बासी खाने को, तो आपको क्या हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा। तो पेचिस कब होगा, जब रिया भगेगी कालू के साथ, खाना लेके भगेगी, खाने में फफूंदी लगेगी, और हमारे क्या हो जाएगी, पेचिस। क्या पुलिस पीछे पड़ रही है तो नहाने का टाइम मिलेगा, नहीं नहाओगे तो क्या हो जाएगा, दमा खाज खुजली, क्या हो जाएगा, दमा खाज खुजली। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आई होंगी, दोबारा से बताता हूं, सारी की सारी रिया कालू के साथ भाग गई, कालू के साथ भागी, पीछे पुलिस लग रही थी, सो नहीं पाया, सोने की बीमारी, खाना सड़ा हुआ खाना पड़ा, पेचिस हो गया उससे, और नहाने के बिगर दमा खाज खुजली हो गई, और जब फिर लास्ट में क्या हुआ, पुलिस ने ढूंढ के फाइल बंद कर दी, फाइल बंद कर दी, फाइल एरिया। अब यहां पे आजकल ये विषाणु बहुत चल रहा, वायरस, ये क्या है आपको ये समझना पड़ेगा, वायरस जो आज बीमारी चल रही है कोरोना, वो इनमें से किसकी, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है, आपने देखा होगा उसमें क्या होता, जुखाम खांसी बुखार, ठीक है, तो उसमें जुखाम, तो वो कौन सी बीमारी है, वायरस बीमारी है, कौन सी बीमारी है वो, वायरस। और वायरस जो है वो पूरी तरह से जीवित नहीं होता, पूरी तरह से जीवित नहीं होता, तो ये कैसे काम करता है, ये प्रोटीन के एक खोल के अंदर ढका होता है, और जब भी किसी जीवित चीज के अंदर जाता है तो यह भी जिंदा हो जाता है, और अपनी संख्या हमारी कोशिकाओं में मिलकर, भाई मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका, कोशिका से बने ऊतक, ऊतक से बने अंग, अंग से बना शरीर, तो जो हमारे सबसे छोटा पार्ट है कोशिका, उसे ये इन्फेक्ट करके उसके द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और हमारे शरीर पे कब्जा कर लेता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। थैंक यू, धन्यवाद।